बहन को 5 साल से घुटनों और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। 5 साल से घुटनों और टांगों में क्या रहती थी? दर्द रहती थी। आगे? और जिसके कारण की सांस फूल जाती थी। सांस फूल जाती थी। और इनको 6 महीने से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा खारिश की प्रॉब्लम थी, टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम थी। सुनो, अभी आपने इस क्लिप में देखा, उस दिन कोई फॉर्म फिल नहीं किया। आप खुदा के रूह को कैसे पता इनकी टांगों की प्रॉब्लम, इन्हें सांस चढ़ता है, इनको ये प्रॉब्लम है इनकी बॉडी में? कौन आपके मन की गूढ़ बातें जानता है? हम लोग कहते हैं ये पखंड है जी। अब इनको पूछो जो 5 साल से, क्या थे बोलो? 5 साल से इनके घुटनों और टांगों में दर्द थी बहुत ज्यादा। 5 साल से घुटनों टांगों में दर्द थी, बड़े परेशान। और 6 महीने से खारिश की प्रॉब्लम और टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम। तो जो सांस है बहुत ज्यादा फूलती थी, क्योंकि जो चल फिर नहीं सकते थे और बहुत ज्यादा जो परेशान थे। हम लोग कहने जी पखंडवाद, ये पखंडवाद है, ये सब झूठे हैं जिनके बंदे। मेरे कौन से ये कोई रिश्तेदार है? क्योंकि लोगों को लगता है ये सब झूठ है, ये पखंडवाद है। अब पूछो जो इतने सालों से, 5 साल से परेशान थे, 6 महीने से खारिश की प्रॉब्लम आ गई, हाँ टाइफाइड आ गया, सांस फूलती थी, क्या फूलती थी बोलो? सांस फूलती थी। और परमेश्वर ने प्रोफेटिक दिया। हम लोगों को क्या पता प्रोफेटिक क्या होता है, वो तो अपनी धार्मिकता करते हैं, उन्हें क्या पता परमेश्वर के कानूनों का, नियम का, क्या प्रोफेटिक है, क्या है पवित्र आत्मा, कैसे काम करता है, उन्हें क्या नॉलेज है? समझ आ रही है? तो खुदा ने प्रोफेटिक दिया कि 2 लाइनों में जो सबसे पहले आएंगे खड़े होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगा? छुटकारा दूंगा। ये गवाही उस बाबा के लिए है, ये झूठा है कि सच्चा चमत्कार है खुदा का। कितने विश्वास करते हैं हमारा खुदा सच्चा है, वो झूठा नहीं है। हाँ, वो पहले भी काम करता था, आज भी करता और करता रहेगा। जब तक वो अपनी आमद में नहीं आएगा वो ऐसे ही करता रहेगा, वो करता रहेगा, ये काम रुकने नहीं है। बोलो, ये काम रुकने। उसने कहा चंगा करने का अधिकार मेरे पास, मैं तुम्हें भी देता हूं। तो ये काम होंगे, ये रुकेंगे। लोग उसे झूठ कहें, पखंडवाद कहें, कुछ कहें, धर्म बदल गया, कुछ भी कहें। क्यों जी? आपका जीवन बदला इतने सालों से कि आपका धर्म बदल गया? कौन सी मोहर लगा दी हमने आपके ऊपर? धर्म तो नहीं बदलिया। हालेलुया। इस बहन का नाम एलिस है और चेमोदल गांव के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही जे बता रहे कि 5 सालों के इनके घुटनों और इनकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान थी। जे बता रहे कि जे इतना चल फिर नहीं सकते थे, जब भी जो ज़्यादा चलते फिरते तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी, क्योंकि इस प्रॉब्लम के कारण जे लगातार मेडिसिन खा रहे थे। और जे बता रहे हैं कि 6 महीने से इनको खारिश की प्रॉब्लम थी, इसकी भी जे लगातार मेडिसिन खा रहे थे, और 6 महीने हो गए कि इनको टाइफाइड बुखार की भी प्रॉब्लम थी। और जे बता रहे कि टांगों की और घुटनों की प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा थी 5 साल से, कि जे लगातार अलग अलग डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे थे, पर इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा था। इसके लिए इन्होंने बहुत महंगे 6 इंजेक्शन भी लगवा ले थे, पर उससे भी इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। पर जे बहन बता रही कि जे लगातार ही विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर ही मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके, जो कि इस मिनिस्ट्री की टीचिंग एक अच्छा अंगीकार और विश्वास करते थे कि जब भी जे अपनी प्रार्थना में बैठते तो परमेश्वर से बोलते थे कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से फ्री कर चुके हो। और जे बता रहे कि जैसे जे हर संडे की मीटिंग में आ रहे थे और लगातार जैसे जब परमेश्वर के दास मास प्रेयर करते थे, उस समय जे बता रहे कि जब विश्वास से अपनी प्रॉब्लम के लिए रिसीव करते थे। और जब बता रहे कि जब भी जब रिसीव करते और जो धन्यवाद कर रहे थे कि परमेश्वर आप मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद कर चुके हो, क्योंकि जब बता रहे कि कभी भी इन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए ना तो कभी
परमेश्वर के दास के साथ बात की थी और ना ही इन्होंने कभी टीम के साथ बात की थी, और ये लगातार आप ही प्रार्थना कर रहे थे। जैसे कि परमेश्वर के दास भी हमें बिताते हैं, सिखा रहे हैं, लगातार हमें टीच करते हैं, तो ये लगातार अपनी मन की बातें परमेश्वर से करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने पहले भी इनके जीवन में बहुत सारे बड़े कामों को प्रकट किया है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे खुदा ने पहले मेरे जीवन में अपने कामों को प्रकट किया तो ये भी कर चुके, और क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी जो कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। ये बता रहे हैं कि जैसे कि जो मुदल गाँव में रहते जे चर्च भवन में आने तक भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी, इतनी ज़्यादा इनकी टांगों में इनके घुटनों में प्रॉब्लम होती थी। और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड सबके लिए परमेश्वर ने दिया था कि जो पिछले संडे कि जैसे दो लाइनें आगे की जो दो लाइनें सबसे पहले जो आएंगे और उनके लिए ले एंड प्रेयर होगी, जैसे कि परमेश्वर ने वचन में भी लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर महिमा और आदर के योग परमेश्वर है, तो जो लोग परमेश्वर को पहला आदर देंगे समय पर मीटिंग के शुरू होने से पहले परमेश्वर को आकर परमेश्वर को आदर देंगे तो उन पर ले एंड प्रेयर होगी। तो उस दिन इन्होंने घर से चाहत की, प्रार्थना की और विश्वास और तैयारी के साथ आए और जो मीटिंग शुरू होने से पहले आकर अपनी लाइन में बैठ गए। और जो बता रहे कि इसके लिए इन्होंने फॉर्म फिलिंग कराया जितने भी इनको प्रॉब्लम थी, क्योंकि ज़्यादा काम करने से इनको सांस इनकी फूल जाती थी चलने फिरने के कारण, तो बिल्कुल भी जो चल नहीं पाते थे। और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड प्रेयर हुई थी, उस समय दुष्ट आत्मा इन पर प्रकट हो गया और जितने भी इनकी बॉडी में प्रॉब्लम थी, ना तो इन्होंने इसके बारे में कभी नहीं बताया था, पर जब इनके लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई थी उस समय परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की और जितनी भी इनकी प्रॉब्लम थी तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इनको इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा दिया था हम वीडियो क्लिप में स्क्रीन पर देखते हैं। तेरी जीवन शक्ति से इसी क्षण खुदा ये सारा रोग टूटे, सारी बीमारी जाए, सारी जकड़न जाए, सारी कमजोरी आए, इसी क्षण खुदा तेरी पावर से इसकी हड्डियों में बल आए, पावर आए खुदा। सारी कमजोरी की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, पिच निकली इसकी बॉडी से, इसके अंगों से, हड्डियों से, शट 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 शट, इन द नेम ऑफ जीसस, पिच चल चल, छोड़ नहीं जाएगा, जाएगा तो अभी जाएगा, अभी जाएगा। हाँ तुझे कब मेरे वचन चंगे लगे? हाँ तू तो शुरू से ही वचन के विरोध में। हाँ मैं नहीं होना। हाँ मेरा नहीं जी लगता। आज से लगेगा, चल तेरा जी जहां पे लगेगा तू वहां पे लगा अपना, चल छोड़ निकल इसकी बॉडी से, इसकी सोच से, चल शट चल। खुदावन की हाँ? मैं नहीं जानता था। अच्छा मुझे नहीं जानता, चल आंखें खोल देख मेरे दिल। हाँ मेरे दिल को सुनता है, इधर देख तेरे दिल को अभी कुछ होएगा, इधर खगोल पानी हाय ठंडा दे दो, चल इधर देख ठंडा दे दो, चल इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, ये पांव के नीचे ये कुछ नहीं है खुदा, जो भी इसके ऊपर प्रभाव था खुदा नेगेटिविटी का, मैं तोड़ता हूं, तोड़ता हूं खुदा, तोड़ता हूं तेरी पावर से, ये आजाद हो जाए इशीशन खुदा तेरी पावर से, फ्री पूरी तरह से मैं तोड़ता हूं इसके प्रभाव को, इसके अंगों से, शरीर से, दिमाग से, सोच से, इन द नेम ऑफ जीसस फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस फ्री। यस खुदा ये आजाद है तेरे सामर्थ से, यस खुदा तो इसकी हड्डियों में बल दे चुका है, इसकी टांगों में, इसकी सांस को नॉर्मल कर चुका है, यस खुदा इसकी सांस को नॉर्मल कर चुका है, यस खुदा तेरे सामर से फ्री है, फ्री। उठो चेक करो, धन्यवाद। तो सुनो सारे, सबसे पहले बताऊं इनकी दोबारा से रिपीट करो सारी समस्याएं जो जो प्रॉब्लम है, क्या क्या इन्हें प्रॉब्लम थी। और इस बहन को 5 साल से घुटनों और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। 5 साल से घुटनों और टांगों में क्या रहती थी? दर्द रहती थी। आगे? और जिसके कारण इनकी सांस फूल जाती थी। सांस फूल जाती थी। और इनको 6 महीने से इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा खारिश की प्रॉब्लम थी,
टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम थी। सुनो, अभी आपने इस क्लिप में देखा, उस दिन कोई फॉर्म फिल नहीं किया। अब खुदा के रूह को कैसे पता इनकी टांगों की प्रॉब्लम, इन्हें सांस चढ़ता है, इनको ये प्रॉब्लम इनकी बॉडी में। कौन आपके मन की गूढ़ बातें जानता है, किसको पता है? आपने अभी इस वीडियो क्लिप में सुना ना, कोई उस दिन फॉर्म फिल नहीं किया कि उसमें प्रॉब्लम लिखी है, फॉर्म के ऊपर आपकी सारी समस्याएं लिखी है। कैसे परमेश्वर जानता है, किसको बताएं? अब लोग कहते हैं ये पखंड है जी। अब इनको पूछो जो 5 साल से, क्या थे बोलो? 5 साल से इनके घुटनों और टांगों में दर्द थी बहुत ज्यादा। 5 साल से घुटनों टांगों में दर्द थी, बड़े परेशान थे। और 6 महीने से खारिश की प्रॉब्लम और टाइफाइड बुखार की प्रॉब्लम थी। तो जो सांस है बहुत ज्यादा फूलती थी, क्योंकि जो चल फिर नहीं सकते थे और बहुत ज्यादा जो परेशान थे। हम लोग कह रहे जी पखंडवाद, ये पखंडवाद है, ये सब झूठ है जी, इनके बंदे मेरे कौन से, ये कोई रिश्तेदार है। माइक दो इन्हें। जय मसीह। क्या नाम है आपका? एलिस। हाँ एलिस। एलिस, क्या नाम है आपके गांव का? मोदल। हाँ मोदल। मोदल, आपके घर के पास कोई मेन कोई निशानी है? कोई मरोद। हाँ मरोद। क्या चीज है? मरोद लगा बोटा। नहीं नहीं, मेन 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 जो ऐसे, तो जैसे कोई दुकान है कोई मशहूर, कोई डेयरी है, कोई फोटो शॉप की दुकान है, कोई और ऐसे फोटोग्राफ वाले निशानी आए। अच्छा, अब सुनो देखो, क्या नाम है फोटोग्राफर का? सुबह। क्या नाम? सुबह। हाँ, तो समझ आ रही मेरी? ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लोगों को लगता है ये सब झूठ है, ये पखंडवाद है। आप पूछो जो इतने सालों से, 5 साल से परेशान थे, 6 महीने से खारिश की प्रॉब्लम आ गई, हाँ टाइफाइड आ गया, सांस फूलती थी। क्या फूलती थी बोलो? सांस फूलती थी। और परमेश्वर ने प्रोफेटिक दिया। अब लोगों को क्या पता प्रोफेटिक क्या होता है, वो तो अपनी धार्मिकता करते हैं, उन्हें क्या पता परमेश्वर के कानूनों का, नियम का, क्या प्रोफेटिक है, क्या है पवित्र आत्मा, कैसे काम करता है, उन्हें क्या नॉलेज है। समझ आ रही है? तो खुदा ने प्रोफेटिक दिया कि 2 लाइनों में जो सबसे पहले आएंगे खड़े होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगा? छुटकारा दूंगा। आपकी इनकी मम्मी से बात कराओ, पहले इधर आ जाओ। कभी मेरे से आपने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको इतने सालों से ये प्रॉब्लम थी? पापा जी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं नहीं, कभी मुझसे इस जो भी आपको समस्या प्रॉब्लम है, कभी मुझसे आपकी बात हुई कभी? नहीं, नहीं हुई। सुनो, टीम से हुई? नहीं हुई। क्या हुई है? कितने मेरी बात सुन रहे हैं? अब आपके मन में क्या है, किसको पता है? मुझसे कभी इनकी बात नहीं हुई, पर खुदा मन जानता है तुम्हें कैसे छुटकारा देना है, कैसे ब्लेस करना है। तो वचन देता है। क्या देता बोलो? वो वचन देता, वचन। तो उसने वचन दिया। क्या दिया बोलो? उसने वचन दिया। इस 2 संडे जो पहले आएंगे 2 लाइनों में, उन पर क्या होगी? ले हैंड होगी। ये भी आए विश्वास से, कितने लंबे समय से ये परेशान थे, और उस दिन खुदावंद ने रूह ने छुआ। कितने लंबे समय से वो दुष्ट आत्मा गुप्त रूप में बैठी थी, और उस दिन खुदा ने उस प्रोफेटिक से, उस वचन से उसे बाहर निकाल दिया और इन्हें फ्री कर दिया। अब तो कोई रोग नहीं है, अब तो टांगों में घुटनों में कोई दर्द तो नहीं है, चलते फिरते अच्छा हूं। हाँ चौंकड़ी मार के बैठा जाता हूं, हाँ वधिया बैठा जाता, दिखाओ बड़ा मार के, नहीं चौंकड़ी मार के, चौंकड़ी मार के दिखाओ। अच्छा वाह जी वाह वाह।
परमेश्वर को पता कैसे आपको चंगा करना है, इसलिए जो परमेश्वर देता है कुछ लोग उसे हल्के में लेते हैं। इसलिए पौलुस ने कहा तुमने मनुष्य का नहीं, पहले तसलुकियों 2:13 में ऐसे ही लिखा ना, तुमने मनुष्य का नहीं किसका समझ कर लिया है। इसलिए वो वचन तुम्हारे जीवन में प्रभावशील हुआ है कि उन्हें मनुष्य सा समझा, मेरा समझा, जैसे यीशु मसीह को समझा ये नासरत का, ये हमारा ही है, हमारा ही बहन भाई है, इसका पिता तो तरखान है, ये वो है वो, तो वहां पे कोई काम नहीं हुए। क्या नहीं हुए? जैसे मान लो यीशु मसीह के खुद मरियम के जो उसके आगे यूसुफ से जो बच्चे पैदा हुए तो वो भी उसके भाई बहन थे, तो उन्हें भी उसे इतना नहीं लिया। ऐसे हो सकता है कुछ मेरे भी अपने यहाँ पे आते हैं, अगर वो मुझे उस मन से लेंगे, अच्छा जी मेरे तो रिश्तेदार हैं कोई बात नहीं ऐसे, तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो समझेंगे खुदा के वो दास हैं, परमेश्वर उनके मुख से वचन देता है, मैंने उसे मानना, मैंने उसे पूरा करना है। क्या करना बोलो? मैंने उसे मानना और पूरा करना है। समझ आ रही है? अब इन्होंने माना, पूरा किया, क्या किया बोलो, और उस दिन खुदावंद ने छू लिया, सालों की समस्या से फ्री कर दिया है। ये गवाही उस बाबा के लिए है, ये झूठा है कि सच्चा चमत्कार है खुदा का। कितने विश्वास करते हैं हमारा खुदा सच्चा है, वो झूठा नहीं है। हाँ, वो पहले भी काम करता था, आज भी करता और करता रहेगा, जब तक वो अपनी आमद में नहीं आएगा वो ऐसे ही करता रहेगा, वो करता रहेगा, ये काम रुकने नहीं है। बोलो ये काम रुकने। उसने कहा चंगा करने का अधिकार मेरे पास, मैं तुम्हें भी देता हूं, तो ये काम होंगे, ये रुकेंगे नहीं। लोग उसे झूठ कहें, पखंडवाद कहें, कुछ कहें, धर्म बदल गया, कुछ भी कहें, क्यों जी आपका जीवन बदला इतने सालों से कि आपका धर्म बदल गया? कौन सी मोहर लगा दी हमने आपके ऊपर? जीवन बदलया जे, धर्म तो नहीं बदलया। हाँ नहीं। क्या नाम क्या आपका? पूरा नाम बोलो। एलस। एलस, आप बोन क्रिश्चियन है? हाँ ये तो है ही, बोन क्रिश्चियन है। समझ आ रही है? नहीं तो सम हाँ बोन क्रिश्चियन है। अच्छा बोन क्रिश्चियन है तो ये नाम एलिस। अच्छा मापियों ने ऐसे प्यार से रख दिया होगा ये नाम, ऐसे क्रिश्चियन नाम नहीं लगता एलिस। पेके पापा जी इन्होंने पहला शुरू तो आंदे मानते होंगे। अच्छा उन्होंने फिर रख दिया है, वैसे ही है अन्य जाति। समझ आ रही है? तो हमने सत्य को जाना है, उस खुदा को नहीं जाना। हाँ उस खुदा को जाना है जो धर्म नहीं जो जीवन बदलता है। सबका धर्म बदला के जीवन बदला है। हाँ तो ये गवाही एक प्रूफ है, ये सबूत और जवाब भी है, तो तारीफ कर दो। नहीं।